शासन की मंशा के अनुसार पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय द्वारा तहसील महावन के समस्त राशन डीलरों की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें समस्त राशन डीलरों को निर्देशित किया गया कि वे जल्द से जल्द राशन कार्डों की आधार कार्ड फीडिंग एवं सीडिंग तथा अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दें एवं समय से राशन वितरण प्रणाली को लेकर के तहसील प्रांगण में इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में तहसील महावन के समस्त राशन डीलरों ने भाग लिया। इस बैठक के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए पूर्ति निरीक्षक मोहन प्रकाश उपाध्याय ने बताया, कार्यकर्ताओं की बैठक मुख्य रूप से शासन आदेशानुसार और शासन के मंशा के अनुसार आधार फीडिंग और सीडिंग के संबंध में मैं आपके माध्यम से सभी कार्ड धारकों से अनुरोध करता हूँ कि वो अपने परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की फोटो कॉपी करा करके संबंधित उचित दर विक्रेता को या हमारे कार्यालय में अपने राशन कार्ड के साथ जमा कर दें ताकि उनका जल्द से जल्द आधार फीडिंग और सीडिंग किया जा सके। तो इसमें जो अभी तक फीडिंग हुई है कितने परसेंटेज हो चुकी है? हमारे यहाँ हमारे महावन तहसील में लगभग 93% आधार फीडिंग हो गया है और 63% के लगभग आधार सीडिंग हो चुकी है। अतः मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपना आधार कार्ड जमा कर दें ताकि जल्द से जल्द आधार फीडिंग और सीडिंग का कार्य पूरा किया जा सके। ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत आती है राशन बांटने में जी, तो इसको लेकर कोई उपचार है इसके लिए उपाय? इस संबंध में बहुत सारे विक्रेताओं ने लिखित रूप से शिकायत किया है, जिसके संबंध में हमारे जिला पूर्ति अधिकारी महोदय द्वारा DC साहब आगरा के माध्यम से उसको लखनऊ प्रेषित कर दिया गया है और लखनऊ से बैठे हमारे प्रमुख सचिव महोदय एवं कमिश्नर साहब ने भी यह कहा है कि इसका जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। आज जो बैठक में इसमें क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? बैठक में मुख्य रूप से हमारा जो एजेंडा है वो हमारा आधार सीडिंग और फीडिंग के संबंध में है। दूसरा, शासन ने एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के संबंध में दिया है शासनादेश, यदि कोई डीलर बीमार पड़ जाता है या उसके परिवार में बुजुर्ग हो जाता है, दुकान चलाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसके जगह उसका प्रतिनिधि द्वारा उसकी दुकान का संचालन किया जाएगा।